हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। जैसा आपको पता है कि मैं आपको सीटी के एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, वैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे के सारे बच्चों के लिए। तो हमारा डेली लाइव क्लास होता है जो कि मेंटी टेस्ट का होता है, दोपहर 2 बजे। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप लोग का सीटी का एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ में मैं आपको एवरीडे हर दिन कोशिश करता हूँ 4 से 5 तक वीडियो देने के लिए, और साथ साथ में मैं आपको अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको अपने जो कम्युनिटी ऐप होता है वहाँ पे भी देता हूँ, जिससे आपको आपका नॉलेज बढ़ते रहे और आपकी सीटी की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो उसी तरह आज भी हमने एक टेस्ट लाया है जो कि है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, सामाजिक शास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है क्योंकि आज की टेस्ट होने वाली है कुछ खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले एजुकेशनल और मोटिवेशनल की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देख हैं पहला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर मिलेगा, टाइमर रहेगा ओनली 30 सेकंड। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। जल्दी फटाफट बताइए, बिकॉज बहुत ही कम समय है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में नामक डैश डैश नाम इतिहास लेखन की प्रणाली अस्तित्व में आई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, और आपको मैं 30 सेकंड, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दूंगा, जो कि आपका समय अब समाप्ति पे है। तो इसका ऑप्शन हमारा है बी, एनलेस प्रणाली। ओके, आगे समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको केवल 30 सेकेंड्स ही दिए जाएंगे। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको क्या करना है, जवाब दे देना है। 30 मिनट नहीं, 30 सेकेंड में फटाफट। और यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। हम इसमें यहाँ पे टोटल लिए हैं क्वेश्चन, इस समय 15 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये होता है आपका टाइमर स्टार्ट। भारत के डैश डैश शहर में नवंबर महीने में वर्षा होती है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। चलिए टाइम आपका हुआ इस समय खत्म, तो ऑप्शन रहेगा आपका चेन्नई। ओके, ऑप्शन रहेगा चेन्नई। ओके, चलिए वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे जवाब दे दे रहे होंगे, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है तो प्लीज आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग जवाब देने के लिए आप कमेंट में, हाँ आप कमेंट में जाके जवाब दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो भी जवाब देना है आप कमेंट में जाके जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको जस्ट क्या करना है, ए बी सी डी जो भी रहेगा उसमें से आपको आपके कमेंट में लिखना है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है, सत्य है, असत्य है, नहीं पता, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जल्दी से फटाफट, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड में आपको आंसर नहीं दिया आपने तो आंसर आपको पता चल जाएगा, 30 सेकंड में आपको आंसर पता चल जाएगा, जल्दी से। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, इसी तरह मैं सीटी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक के ऊपर आप लोग को वीडियोस देते रहूंगा, और लाइव क्लास भी होते रहेगा, तैयारी आपकी होती रहेगी। तैयारी आप लोग करते रहिए, अपना समय ज्यादा यहाँ वहां वेस्ट मत करिए। ओके, चलिए ऑप्शन हमारा है सत्य। ओके, चलिए बहुत सारे बच्चे जवाब लगता है सही भी दिए होंगे, वेरी गुड, क्योंकि आपको यहाँ पे जस्ट ऑप्शन देना है ए बी सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यटन सबसे अधिक डैश डैश निर्मित करने वाला उद्योग बन गया है, रोजगार, आनंद, आत्मविश्वास, अभिनव प्रयोग, क्या होगा इसमें से आंसर, ए बी सी और डी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया, फटाफट सोचिए, विचारिए और फटाफट कमेंट करिए। इसी तरह आपको इंग्लिश की 5-6 वीडियोस मिल गई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा।
और मैथ्स की भी लगा, अभी जल्दी ही सॉल्यूशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोस मिलने वाली है, जिसमें मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ किस तरह किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस क्वेश्चन को किस तरह फटाफट सॉल्व करते हैं, आंसर तुरंत बताते हैं, वह सब ट्रिक आपको मैं जल्द ही सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। ओके, तो चलिए यहाँ का आंसर आ गया हमारा है, आंसर हमारा है ए, रोजगार। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोजगार। ओके चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आ जाइए। गुफा चित्रों की परंपरा कब से शुरू हुई? जो गुफा में चित्र बनते हैं यह परंपरा कब से शुरू हुई है? सतयुग से, कलयुग से, त्रेता युग या तो अश्म युग? जल्दी फटाफट बताइए, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ए बी सी एंड डी, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? फटाक से आप लोग जवाब दीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ जो सीटी से रिलेटेड हो। ओके, सीटी के एग्जाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, बस यही मैं आप लोग से उम्मीद जताता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। चलिए ऑप्शन हमारा है डी, अश्मयुग। ओके, अश्मयुग से यह परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। ललित कला को डैश डैश भी कहा जाता है। लोक कला, नागर कला, आंगिक कला, दृश्य कला। फटाफट यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जो भी करेक्ट है, जो भी राइट आंसर, जो भी राइट ऑप्शन है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ए है, बी है, सी या डी है, जो भी रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट आपको जवाब देना है। ओके, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा है आंगिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आंगिक कला। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने राजस्थान में डैश डैश लाई, क्या लाया उन्होंने? धवल क्रांति लाई, जल क्रांति लाई, हरित क्रांति लाई या उपभोक्ता क्रांति लाई? फटाफट जवाब दीजिए। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी जो वीडियोस है या उनका जो डेली लाइव क्लास का टाइमिंग है 2 बजे है, हिंदी मीडियम के बच्चों का लाइव क्लास का टाइमिंग 12 बजे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का लाइव क्लास का टाइमिंग 2 बजे है। और इसी तरह आपको और ढेर सारी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो, सीटी से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, और भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट आती है तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर आंसर होगा हमारा बी, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज जल क्रांति। क्या होगा? जल क्रांति। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। एट हमारा है चुनाव प्रक्रिया में गोपनीयता होनी चाहिए। यहां पे आपको बताना है सत्य है, असत्य है या नहीं पता या इनमें से कोई नहीं। जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, देख लीजिए, कई बच्चे जवाब दे चुके हैं, वेरी गुड। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया देख लीजिए, इसका आंसर होगा असत्य। चुनाव प्रक्रिया में गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए ना कितना चुनाव किसको गिरा, कितना चुनाव किसको मिला। ओके चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन। भारत के डैश डैश राज्य में रेल मार्गों का विरल जाल पाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यह चार राज्य हैं जहां पे आपको बताना है, जहां पे रेल मार्ग बहुत दूर दूर है, रेलवे की जो रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे रेलवे लाइन्स है बहुत दूर दूर है, यह बताना है कौन से राज्य में है। फटाफट टाइम आपका स्टार्ट हो गया, फटाफट बताइए। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर होगा हमारा ए, राजस्थान। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज की वीडियो में हमने केवल 15 क्वेश्चन लिया, 15 क्वेश्चन लिया, इसी तरह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम को बच्चों के लिए, सीडी के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी लगातार, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत की अपेक्षा ब्राजील में साक्षरता अधिक है।
है असत्य है पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी फास्ट फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आंसर हमारा है सत्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन है, शेर बाघ हिरण या गाय? जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बाघ बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाघ होगा। क्या होगा आंसर? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 हमारा है, मुंबई शहर में मई महीने में आवश्यक अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सत्य है असत्य है या नहीं पता या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ए भी आप बता सकते हैं, इसमें कौन सा राइट है फटाक से बताइए फास्ट। चलिए वेरी गुड, देख लेते हैं आंसर। आंसर है हमारा असत्य, असत्य। मई के महीने में बहुत ज्यादा तापमान होता है, आप लोग को पता है। मई के बाद आता है जून, जून में बरसात शुरू हो जाती है, तो मई में बहुत ज्यादा हाँ टेम्परेचर हाई होता है, तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है, तो यहाँ पे असत्य रहेगा। नेक्स्ट मुड़ते हैं, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फटाक से बताइए क्वेश्चन नंबर 3। विशाल एनाकोंडा कटिंगंजा के दलदली प्रदेशों में पाए जाते हैं। कटिंगंजा। चलिए ऑप्शन सत्य असत्य पता नहीं, इनमें से कोई नहीं, फास्ट। ऑप्शन हमारा है बी असत्य। क्या होगा? असत्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कोलकाता का डैश डैश भारत का प्रथम संग्रहालय है। गवर्नमेंट म्यूजियम, राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय। जल्दी चलिए, बहुत सारे बच्चे जवाब दे दिए होंगे तो हम लोग भी जवाब देख लेते हैं। जवाब हमारा है भारतीय संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, जवाब आपका सही आ रहा होगा। संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार
डैश डैश के पास है। सॉरी, यहाँ पे जो रिक्त स्थान था वो देना मैं भूल गया। संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार डैश डैश के पास है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद? चलिए, आंसर है हमारा संसद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों ने क्विज को अटेंड किया और सभी लोगों ने जवाब दिया। वेरी गुड। इस तरह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम है उनको भी फायदा हो। और हमारी तरफ से आपको डेली लाइव क्लास, हाँ, डेली मेंटी टेस्ट मिल रहा है, डेली क्वेश्चंस कम्युनिटी टैब में दिया जा रहा है, साथ साथ में डेली कई टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें जुड़ जाइए। उसमें भी हमारे कुछ क्वेश्चन जाते रहते हैं। एंड डेली 5 वीडियोस फॉर सीटी एग्जाम, और सीटी एग्जाम के डेली आपको 5 वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू।